वेलकम टू माई क्लास चैनल। हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ 1 किलोमीटर टू 600 मीटर। तो हम रेशियो तब फाइंड करते हैं नंबर्स के बिटवीन में जब हमारे पास यूनिट्स भी सेम हो। तो किलोमीटर है, ये मीटर है, तो हम क्या करेंगे, पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हमारे पास दोनों मीटर्स में हो जाएंगे, दोनों के यूनिट सेम हो जाएंगे, फिर हम रेशियो फाइंड कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वन जो है km, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 km किसके इक्वल हो गया 1000 मीटर के। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 और रेशो 600। ठीक है, समझ आ गया। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, इसलिए 1000 मीटर है और ये 600 मीटर है। इनके बिटवीन में हमने रेशो फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1000 रेशो 600। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 को हम लिख लेते हैं ऊपर और 600 को हम लिख लेते हैं नीचे। फ्रैक्शन में हमने लिख दिया इसको इस तरह, फिर जैसे यहाँ पर लिखा था 200 ऊपर लिख दिया, 700 को हमने नीचे लिख दिया। फिर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कटिंग हो जाएगी। अगर हम 100 से करते हैं तो 100 कितने टाइम्स 1000 होता है, 10 टाइम्स, और 100 कितने टाइम्स 600 होता है, 6 टाइम्स। या आप ऐसे कर लें, 2 ज़ीरोज़ 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 10 नीचे 6 रह गया। जिस तरह भी आपने करना है आप कर लें। ऊपर 10 आ गया, नीचे हमारे पास 6 आ गया। अभी इसकी फर्दर कटिंग हो जाएगी, 2 से 2 कितने टाइम्स 10 होता है, 5 टाइम्स, 2 कितने टाइम्स 6 होता है, 3 टाइम्स। ठीक है, तो हमने पहले 100 100 से कटिंग कर दिया, 100 से ऊपर 100 से नीचे, हम सेम टेबल से कट करते हैं। फिर हमने 2 से कट कर दिया, ऊपर भी नीचे भी, 2 से कट किया तो 5 आ गया, 2 से कट किया तो 3 आ गया। 5/3 जो है ये फर्दर कट नहीं होगा, तो ये हम लिख लेंगे इसको रेशो की फॉर्म में 5:3। समझ आ गया, तो ये रेशो फाइंड हो गई इनके बिटवीन में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।